नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 95 दिन बीत चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खार्किव का दौरा किया। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद से ये पहली बार है जब जेलेंस्की राजधानी कीव से बाहर निकले हैं। मध्य पूर्वी एशियाई देश इराक में इन दिनों एक नई तरह की बीमारी तेज से फैल रही है। इसमें मरीज को तेज बुखार होता है और उसकी नाक से खून निकलता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की नाक के रास्ते अत्यधिक खून निकलने से वजह से उनकी मौत हो जाती है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा, सीमाओं का मुद्दा संवेदनशील है और हम समझते हैं कि इन मुद्दों को कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसी के लिए हम राजनयिक माध्यमों से अपने प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को मेक्सिको में मंकी पॉक्स के पहले ज्ञात मामलों की पुष्टि की, जिसमें एक 50 वर्षीय अमेरिकी निवासी का मेक्सिको सिटी में इलाज चल रहा है। बचपन में बच्चों को जब स्पाइडरमैन की कहानियां दिखाई या सुनाई जाती थी तो उनके साथ डिस्क्लाइमर दिया जाता था कि ये सिर्फ एक कल्पना है और इसे हकीकत में नहीं करें। लेकिन चीन में एक शख्स को शायद ये बात नहीं बताई गई होगी, तभी तो वो खुद को स्पाइडरमैन समझ बैठा और 37वें माले से नीचे बिना किसी रस्सी या सीढ़ी के उतर आया। दिल्ली में धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बेटी ने अपने पिता को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। आरोपी बेटी ने अपने ही पिता के पेंशनल अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने कहा कि 34 वर्षीय एक महिला को अपने सेनावृत्त पिता के पेंशनल खाते से कथित तौर पर 2 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखे अपने जेवरात को छुड़ाने के लिए उसने पिता के अकाउंट से पैसे चुराए थे। आपने अब तक एक से बढ़कर एक अनोखी शादियों की कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम एक खास शादी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां 17 मिनट में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हो गए। दरअसल झारखंड के गढ़वा शहर की एक शादी में ना तो दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई गई और ना ही बैंड बाजा और ना ही दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। बता दें कि इस शादी में कुछ भी दिखावा नहीं किया गया था। वहीं शादी के साक्षी कबीर पंथी सत्संग समिति के सैकड़ों दास दासी बने। यूपी की राजनीति में विपक्षी गठबंधन की गांठें कमजोर पड़ती दिख रही हैं। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव के दौरान पानी पी पी कर भाजपा को कोस रहे थे, वहीं अब वो भगवा पार्टी की शान में कसीदे पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं, वे अपने साथी और मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव पर भी तंज कसते बाज नहीं आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति कृष्णा पहल आज कोर्ट नंबर 28 में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। पिंक विला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वीडियो में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता नजर आ रहा है जिसने अपने मुंह में टिफिन का डिब्बा पकड़ा हुआ है। वीडियो के अनुसार वो अपने मालिक की सेवा कर रहा है। वैसे कुत्ते जिस वफादारी और निष्ठा से अपने मालिकों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वो काबिले तारीफ है। गोंडा जंक्शन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है। इस वजह से 33 ट्रेनों को 30 मई के लिए कैंसिल कर दिया गया है। ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्यों के खास शहरों के बीच संचालित होती हैं। लखनऊ में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के बीच लखनऊ की सेशन कोर्ट में सोमवार को टीले वाली मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल 2013 में दाखिल वाद पर निचली आदेश के विरुद्ध जिला सत्र न्यायालय में रिविजन पिटीशन दाखिल की गई थी। निचली अदालत में दाखिल वाद में कहा गया है कि टीले वाली मस्जिद लक्ष्मण टीला है, लिहाजा उस स्थान को हिंदुओं को सौंपा जाए। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जल्द चिकित्सकों और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही। भाजपा से पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एवं हरिद्वार के पूर्व जिला अध्यक्ष कल्पना सैनी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। वहीं हरिद्वार जिले में सैनी समाज को एक बड़ा तोहफा भाजपा की ओर से माना जा रहा है। इस दौरान कल्पना सैनी ने पार्टी का आभार जताया है।
झांसी में बड़ा गांव थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग में शामिल एक युवती समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल के अलावा 3 तमंचा और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिरोजाबाद में एक नाबालिग किशोर बच्चे को पुलिस ने सकुशल जिला मुख्यालय दबरई से करीब 15 घंटे के अंदर बरामद कर परिजनों से मिलाया। बताया जा रहा है कि नाबालिग किशोर पीयूष उम्र करीब 11 वर्ष के बीच थाना शिकोहाबाद मेला वाले बाग से अचानक घर के बाहर खेलते हुए घर से लापता हो गया था। वहीं बच्चे के परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद थाना शिकोहाबाद पुलिस से शिकायत के तुरंत बाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस ने मात्र 15 घंटे के अंदर बच्चे को जिला मुख्यालय दबरई से सकुशल बरामद कर परिजनों से मिलाया। कांदू देहात के भोगनीपुर गांव से बूढ़ी महिला को कंधे पर ले जाते हुए वीडियो सामने आया है। पड़ताल पर पता चला कि मां बीमार थी, बेटा गांव के झोला छाप के यहां इलाज कराने ले गया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाया। जिले में गुरुवार को वट सावित्री का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर पतियों के दीर्घ आयु की कामना की। शहर व कस्बे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने व्रत रखा, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनेस्ट आमिर खान और करीना कपूर खान की मच अवेटेड मूवी लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर आमिर खान ने गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल 2022 फिनाले के बीच लॉन्च किया है, जिसे अब दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। अगर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बॉलीवुड के पुराने दिनों को वापस लेकर आई है तो कहना गलत नहीं होगा कि एक और आंधी बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। दरअसल हम अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की बात कर रहे हैं। फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी पहले से शुरू कर दी गई है और टिकट की बिक्री की रफ्तार देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म शानदार कलेक्शन कर सकती है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी इंसाइडर्स को दिए गए इंटरव्यू में विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि कैसे वो अनुष्का शर्मा के लिए अकेले रिस्क लेकर एक बेकरी शॉप पहुंच गए थे। विराट कोहली ने खुलासा किया था कि श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच के लिए वो बेंगलुरु में थे। आईपीएल 2022 कई मायनों में खास रहा। 2008 की डेब्यू करने वाली टीम चैंपियन बनी। 6 साल बाद लीग को नया चैंपियन मिला। रोहित विराट धोनी की जगह नए सितारे उभरे। ये परिपक्व होती लीग की निशानी है। गुजरात टाइटंस को किसी ने भी खिताब का दावेदार नहीं माना था, लेकिन हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा की जोड़ी ने तमाम बातों को झुठलाते हुए नए खिलाड़ियों से सजी टीम के सिर जीत का सहरा बांध दिया। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या खिताबी जीत के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ स्पेशल जीत दर्ज करने के बाद गुजरात फ्रेंचाइजी ने होटल में केक काटकर उसका जश्न मनाया। गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें हार्दिक के चेहरे पर राशिद खान और मोहम्मद शमी केक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात टाइटंस के चैंपियन बनते ही नताशा भी मैदान पर नजर आए। उन्होंने अपने पति हार्दिक पांड्या को गले लगाया। नताशा इस दौरान भावुक नजर आईं, हालांकि बाद में हार्दिक उन्हें ढांढस बांधते हुए नजर आए। ग्लोबल मार्केट के दबाव में सोमवार सुबह सोने चांदी की कीमतों में उछाल दिखा और सोना एक बार फिर 51,000 के भाव को पार कर गया। चांदी की चमक भी आज बढ़ी और ये 62,000 के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माय भारत न्यूज़।